संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे वो देखने में बेहद आकर्षक और सुंदर लगता है। हम बात कर रहे हैं साहिल के बारे में। इनके शरीर के बाल काफी मोटे, मजबूत और नुकीले होते हैं। इन बालों को साहिल का कांटा भी कहा जाता है। ये इतने कड़े होते हैं कि किसी को भी भेद सकते हैं और इसी से ये अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा करते हैं। इनके आगे का पैर बेहद मजबूत होता है, इतना मजबूत कि इससे ये अपने मांद की भी खुदाई करने में सक्षम होते हैं। ये भारत में मुख्य रूप से पहाड़ों के किनारों पर और जंगलों में पाए जाते हैं। ये दिन के अपेक्षा रात में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। दिन में ये ज्यादातर अपने मान में सोते हैं। साहिल हमेशा जोड़े में ही रहते हैं, सिर्फ खाना खोजने के समय ये अकेले रहते हैं। साहिल काफी अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन ये ना तो अच्छे पर्वतारोही होते हैं और न ही ज्यादा कूदने में सक्षम। शायद इसीलिए ये पहाड़ों के नीचे जमीन पर प्रकृति द्वारा निर्मित गुफाओं में या स्वयं द्वारा निर्मित मांद में ही रहते हैं। भारतीय साहिल पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं। इन्हें घास, फल, फूल या अनाज खाना ज्यादा पसंद है। साहिल का प्रजनन काल फरवरी से मार्च तक होता है। 240 दिनों के बाद मादा साहिल एक बार में 2 से 4 बच्चे को जन्म देती है। नवजात साहिल लगभग 1 साल तक मांद में ही रहते हैं। इस दौरान उनके माता पिता दोनों उनका देखभाल करते हैं। इनका जीवन काल 20 सालों का होता है और वजन 11 से 18 किलो। इनकी लंबाई ज्यादातर 70 से 90 सेंटीमीटर तक की होती है। साहिल अपने आकर्षक रूप और कांटों के कारण चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।